इलाहाबाद के यमुना में आज 250 कछुओं को छोड़ दिया गया। आपको बता दें कि इन कछुओं की तस्करी के लिए ले जाया जा रहा था। यहां बीती रात 17 तारीख को इन्हें पकड़ लिया गया था। आज डीएफओ की टीम ने यमुना के बीच इन कछुओं को छोड़ दिया। और जायजा लिया हमारे संवाददाता सौरभ श्रीवास्तव ने। सौरभ, इतनी भारी तादाद में कछुओं को तस्करी के लिए ले जाया जा रहा था, अभी तक क्या पता चल पाया? आस्था के महापर्व पे इस समय मौजूद हैं यमुना पुल के एक टापू पे। ये यमुना पुल का टापू शहर से काफी दूर है। मैं आपको ये बता दूं कि इस समय हम यहाँ पर डीएफओ अशोक दीक्षित, डीएफओ इलाहाबाद अशोक दीक्षित के साथ यहाँ पर आए हैं। यहाँ पर दुर्लभ प्रजाति के कुछ कछुए इन्होंने जब्त किए हैं जो ट्रेन से ले जाए जा रहे थे। हम जानने की कोशिश करेंगे कि अशोक दीक्षित साहब से कि आखिर यहाँ पर वो क्यों आए हैं और यहाँ पर आकर के क्यों टापू पर ये कछुओं को छोड़ रहे हैं। धन्यवाद सौरभ। ये कछुए 17 तारीख की शाम को ब्रह्मपुत्रा एक्सप्रेस में 3 बोरों में बरामद किए गए थे। बुक करने वाले अधिकारी के अलावा व्यक्ति के नाम के अलावा कोई व्यक्ति इसके साथ बरामद नहीं हुआ। सूचना मिलने पर इन कछुओं को बरामद किया गया और विधिक कार्यवाही कर दी गई है। इन कछुओं के लिए कल मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत से रिलीज ऑर्डर ले लिया गया और मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक की अनुमति के उपरांत इसे यमुना नदी के बीच में स्थित इस सेक्लूडेड एकदम अकेले टापू पे छोड़ा जा रहा है, जिससे कि ये अपने आप को एक्लेमेटाइज कर लें, धूप सेंक लें और इसके बाद अपनी सुविधा के अनुसार यमुना नदी के अंतर्गत अपने को समाहित कर लें और पर्यावरण को लाभ पहुंचाएं। और साथ ही साथ टापू इतना बीच में है, जैसा कि आप देख रहे हैं, बिल्कुल बीचों बीच में, किनारे से दिखता भी नहीं है कि इसमें इनको कोई भी नुकसान होने की उम्मीद नहीं है। इस समस्त कार्यक्रम में हमारे साथ एनजीओ के रूप में ग्लोबल ग्रीन्स जुड़े हुए हैं और काफी लोग शहर से इसको छोड़ने के लिए आए हुए हैं। कितने कछुए यहाँ पर हैं और ये दुर्लभ प्रजाति काफी कछुए हैं और अब यहाँ पर छोड़ने पे क्या ये सुरक्षित हैं? दूसरी चीज मैं एक बात और जानने की कोशिश करूंगा कि इन कछुओं को जो यहाँ पर छोड़ा जा रहा है वो उसके लिए क्या पे कोई परमिशन ऊपर से दी गई या मतलब कहाँ से आपके दिमाग में कि इस टापू पे यहाँ गया? और मैं ये भी सुनने में आया कि इस कछुए का टापू का नाम भी आपने कछुआ टापू के रूप में भी इसको रखा है। ये विधिक रूप से इसकी परमिशन का कोई भी जो केस प्रॉपर्टी होती है उसके लिए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट से परमिशन ली जाती है। चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने कल इसकी परमिशन दे दी थी हम लोगों को। इसके बाद मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक श्री रूपक डे हैं, उनसे अनुमति ले ली गई है और इसको एक इसलिए यहां छोड़ा जा रहा है कि काफी दिनों से, चूंकि ये बंद होंगे, कितने दिनों से बंद है नहीं पता है, शायद 4 या 5 दिनों से बंद होंगे, तो थोड़ी देर धूप में रहने के बाद ये अपने आप को वातावरण के अनुकूल पाते हुए। खबर लखनऊ से, जहां पर केडी सिंह बाबू स्टेडियम